क्यों है आखिर रोमन रेंस नंबर वन इन WWE? बाकी के भी बहुत सारे अच्छे WWE सुपरस्टार्स हैं, तो वो क्यों नहीं पहुंच पाए रोमन रेंस के इस लेवल पर? क्यों रोमन रेंस वर्क कर रहे हैं गॉड लेवल पर, और क्यों है वो पूरे रेसलिंग इंडस्ट्री में नंबर वन पोजिशन पर? तो इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपको जानना है ये सारी बातें तो प्लीज आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए, चाहे आप द बिग डॉग कह ले या फिर कह ले ट्राइबल चीफ। रोमन रेंस ने दोनों ही कैरेक्टर्स काफी अच्छी तरीके से निभाए हैं। पहले वो बेबी फेस थे और अभी वो हील है, पर जिस तरीके से रोमन रेंस को सुपरमैन वाला पुश दिया जा रहा था WWE से, जब वो बेबी फेस थे तभी वो स्मार्क्स को पसंद नहीं आ रहा था और वो लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे रोमन रेंस के, और इसकी वजह से रोमन रेंस को काफी बू मिलने लगा था। 5-6 साल रोमन रेंस बेबी फेस रहे हैं WWE में, पर फिर उसके बाद हो जाता है उन्हें ल्यूकीमिया, और फिर वो रिहैब के बाद जब वो आते हैं वापस तभी सबको शॉक कर देते हैं, क्योंकि तभी चालू हो जाता है उनका हील टर्न। उसके बाद वो बन जाते हैं पॉल हेमन गाय और फिर यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी जीत लेते हैं, और फिर दोस्तों चालू हो जाती है हिस्टोरिक टाइटल रेन ऑफ रोमन रेंस। जब रोमन रेंस ने अपना ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर पोर्ट्रे करना चालू किया तभी सब लोग रोमन रेंस में काफ़ी इंटरेस्टेड थे, और फिर चालू हुआ ब्लड लाइन सागा, और लिटरली 3 साल के बाद रोमन रेंस पिन हुए जे उसो से। पर दोस्तों, रोमन रेंस का डोमिनेशन स्टिल चालू है WWE में, और अगर आपको पता नहीं होगा तो करंट जो रोस्टर है WWE का, उनमें सबसे ज़्यादा कमाते हैं रोमन रेंस, जो कि फुल टाइम रेसलर के हैसियत से है। नंबर वन पे ब्रॉक लेसनर है जो 15 मिलियन कमाते हैं, उसके बाद सीना का नाम आता है 10 मिलियन, और फिर रोमन का आता है विथ 5 to 6 मिलियन। दोस्तों, रोमन रेंस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को बीट कर रहे हैं मर्चेंडाइज सेल में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, WWE में अभी करंटली जो टॉप 5 मर्चेंडाइज सेलर है वो है, नंबर 5 पर है NWO, नंबर 4 पर है LA नाइट, नंबर 3 पर है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, नंबर 2 पर है कोडी रोड्स, और नंबर 1 पर है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। तो यहाँ पर मर्चेंडाइज सेल में भी रोमन रेंस है टॉप पोजीशन पर। जैसे जॉन सीना स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने कैरी किया था कंपनी को मर्चेंडाइज सेलर टॉप का बनके, वैसे ही आज रोमन रेंस बन गए हैं। और बात करें रेटिंग्स की, तो रोमन रेंस के सेगमेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेटिंग्स ला रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि रोमन रेंस के जो सेगमेंट्स हैं या मैच हो जाए वो 2 मिलियन एंड अबाव रेटिंग्स ला ही रहे हैं, और उनका जो ब्लड लाइन वाला एंगल चल रहा है इतने टाइम से, वो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला सेगमेंट बन चुका है अभी, और सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी बन चुके हैं इन द होल रेसलिंग इंडस्ट्री। सारे लेजेंड्स ने रोमन रेंस को प्रेस किया है, और रोमन रेंस अब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं रहे हैं, वो कंपीट कर रहे हैं एक गॉड लेवल पे। ट्रिपल एच ने रोमन रेंस को न्यू चैंपियनशिप भी ऑफर की, और वो अभी आगे उसको डिफेंड भी करेंगे, और शायद ये डिफेंस पहला हो सकता है जे उसो को अगेंस्ट एट समर स्लैम। अगर वो रॉ में भी आते हैं तो रेटिंग्स जो है वो काफ़ी पीक करती है, काफ़ी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये है रुतबा रोमन रेंस का, जहाँ पर भी वो जाते हैं वो रेटिंग्स ड्रॉ करते हैं, मर्चेंडाइज में टॉप लेवल पर है, उनमें काफ़ी करिश्मा आ चुका है, उनके प्रोमो स्किल्स काफ़ी लाजवाब हो चुके हैं एज कम्पेयर टू जब वो फेस थे। स्टोरी लाइन में स्टोरी कैसे डिलीवर करते हैं वो रोमन रेंस ने अच्छी तरीके से सीख लिया है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जितने भी लेजेंड्स हैं और जितने भी करंट सुपरस्टार्स हैं या अपकमिंग सुपरस्टार्स हैं, सारे लोग मैच करना चाहते हैं रोमन रेंस से, इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है रोमन रेंस की। तो रोमन रेंस ने काफ़ी मेहनत करके खुद को इस काबिल बनाया है, अब दुनिया एक ही बड़े मैच का वेट कर रही है, और वो है रोमन रेंस एंड रॉक का। अब वो मैच कब होती है, क्या रेसलमेनिया में होती है या फिर किसी और पेपर व्यू में, ये हमें देखना होगा। बट जब ये मैच होगी तो उसके प्रोमोस और जो राइवलरी होगी वो काफ़ी कमाल की होगी, और रेटिंग्स तो फाड़ के रख दी गई है मैच। पर दोस्तों, बॉटम लाइन यही है कि रोमन रेंस का जो सफ़र है वो काफ़ी ज़बरदस्त रहा है, और अगर कल जाकर रोमन रेंस हील से फेस कन्वर्ट भी हो जाते हैं तो उन्हें पहले जैसा बू वाला रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी उन्होंने क्राउड को जीत लिया है, क्राउड की रिस्पेक्ट गेन कर ली है, और अभी वो टॉप प्लेयर बन चुके हैं इन WWE।
तो जॉन सीना को जैसे पहले लाइक 2005 एंड 6 में जैसे चीयर्स मिलते थे, उसी की तरह रोमन रेंज जब आगे जाके बेबी फेस बनेंगे तो होपफुली क्राउड से चीयर्स ही मिलेंगे, ना ही बू। सो लेट्स सी दोस्तों, हमें रोमन रेंज की आगे कौन सी राइवलरी देखने मिलती है और रोमन रेंज और कितने सक्सेसफुल बनते हैं आने वाले टाइम में। बट एक बात है दोस्तों कि रोमन रेंज जो है और भी सरप्राइजेस हमें देने वाले हैं आने वाले टाइम में, उनकी राइवलरीज को लेके, उनके चैंपियनशिप्स को लेके और उनके कैरेक्टर चेंज को लेकर भी। तो आप सभी स्टे ट्यून्ड रहिए एंड एक्साइटेड रहिए रोमन रेंज के लिए और उनके फ्यूचर के लिए। तो ये था हमारा स्पेशल वीडियो ऑन रोमन रेंज। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, फर्स्ट क्या आपको ऐसी स्पेशल वीडियोस चाहिए, सेकंड क्या आपको लगता है कि रोमन रेंज आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा सक्सेसफुल बनने वाले हैं, एंड थर्ड आपको रोमन रेंज का कौन सा कैरेक्टर पसंद है, फेस बिग डॉग वाला या फिर हील ट्राइबल चीफ वाला। सो गाइस प्लीज 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।